हाय फ्रेंड्स, मैं प्रियंका, आर्टिस्टिक विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही चटपटा ऐसा कैरी का मसाले वाला पानी। फ्रेंड्स, आपने बना तो कई बार बनाया होगा, पर इस तरह से एक बार मसाले वाला पानी कैरी का जरूर बनाइए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो बस एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक कैरी का बनाने वाली हूँ मसाले वाला पानी। तो यहाँ पे दो ग्लास बन करके तैयार हो जाते हैं। तो कैरी को हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, कॉटन के कपड़े की हेल्प से क्लीन कर लेना है, और हमें इसका छिलका निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, पन्ना जो होता है वो हम स्वीट बनाते हैं, पर आज हम ये जो मसाले वाला पानी बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी चटपटा ऐसा बनाने वाले हैं। तो चलिए अब हम कैरी को कट कर लेते हैं, बस हमें रफली चॉप कर लेना है इसे। तो फ्रेंड्स, हम समर है, समर में हम मसाले वाली छाछ बनाते हैं, तो बस उसी तरह से आज बहुत ही टेस्टी हम कैरी का मसाले वाला पानी बना रहे हैं। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए, यहाँ पे मैंने चॉप कर लिया है कैरी को। कैरी को हम डाल देंगे ग्राइंडर जार में। इसके अंदर हम डाल देंगे दो हरी मिर्च, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे एक चम्मच भुना हुआ जीरा। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड कर देना है काला नमक आधी छोटी चम्मच, साथ ही हम डाल देंगे आधी छोटी चम्मच नमक, और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अब इन सारी चीज़ों को हमें बढ़िया से ग्राइंड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पानी का यूज़ अभी नहीं करना है, एक बार हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब हमें इसमें पानी ऐड करना है, तो बस हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, और अब हम इसे ग्राइंड करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। एकदम से पानी ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, नहीं तो कैरी जो है वो अच्छे से ग्राइंड नहीं होगी। तो देखिए, ये हमारी बड़ी ऐसी प्यूरी तैयार हो चुकी है, बस इसे हम निकाल लेते हैं एक गंज में। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी, यानी 2 ग्लास हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम फटाफट से सर्व करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक ले लेती हूँ, साथ ही हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर। हम मसाले वाला पानी बना रहे हैं तो एकदम चटपटा ऐसा पानी तैयार होना चाहिए। तो बस ये लीजिए, बस ग्लास को हम इस तरह से हल्का सा नींबू का रस लगा देंगे, और इस तरह से हम इसे कवर कर देंगे मसाले से। और ये लीजिए, हमारा ग्लास तैयार है। तो फटाफट से हम इसे सर्व करते हैं। तो बस इसके अंदर हम डाल देंगे आइस क्यूब्स, और इसके अंदर हम डाल देंगे हमारा कैरी वाला मसाले का पानी। तो फ्रेंड्स, बस इसे ठंडा ठंडा सर्व करिए, बहुत ही रिफ्रेशिंग लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारा मसाले वाला कैरी का पानी तैयार है। बस आप भी इसे फटाफट से बनाइए और एंजॉय करिए। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसी बहुत सारी रेसिपीज़ अगर आपको देखनी है तो बस जाते जाते चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि क्या होगा फ्रेंड्स, मैं जो भी नए वीडियो अपलोड करूँगी उसका अपडेट आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, बने रहिए आर्टिस्टिक विजन के साथ।